दोस्तों वेलकम टू माय लाइव एक्टिंग क्लास। मेरे साथ आज दो स्टूडेंट्स हैं, संजय और अब्दुल। उनका आपके साथ परिचय भी करवा के देता हूँ। हमारे जो लेट्सएक के कोर्सेस है उसमें तीन कोर्स है। सबसे पहला 1 मंथ एक्टिंग कोर्स, जिसमें ऑडिशन की ट्रेनिंग दी जाती है। 1 महीना वो कोर्स चलता है और उसकी फीस है 10,000 रुपये। दूसरा कोर्स है 2 मंथ एडवांस एक्टिंग कोर्स, जिसमें कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, ऑडिशन की तैयारी, ये सब कुछ करवा के लिया जाता है। उस कोर्स की फ़ीस है 40,000 रुपये, 45,000 फीस है, 5,000 का हम डिस्काउंट देते हैं। और तीसरा कोर्स है 6 मंथ का, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी करके ली जाती है, जिसकी फ़ीस है 1,25,000 रुपये। वो कोर्स आपको ऑफर में 1 लाख में दिया जाता है। सो आज मेरे साथ है, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, आज मेरे साथ है मेरे दो स्टूडेंट। इन्होंने 2 महीने का जो कोर्स है एक्टिंग कोर्स, जिसमें कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, ऑडिशन की तैयारी, ये सब कुछ करवा के लिया जाता है, उसके लिए एडमिशन लिया है। वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सभी सब्सक्राइबर्स का, और अब्दुल और संजय दोनों का वेलकम। आज मैं इनको कुछ शुरुआती रूल्स भी समझाऊंगा और कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी करवाऊंगा, ताकि दिमाग के ताले खुल जाए और वो कंफर्टेबल हो जाए। सो शुरू करें। ओके, मैं अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं अब्दुल आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं, आपने एक्टिंग क्लास क्यों ज्वाइन किया, और थोड़ा आपके बारे में बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आएगा और हमारे सब्सक्राइबर को भी पता चलेगा। सर, मैं अभी चाइनीज़ का बिज़नेस कर रहा हूँ, सेल्फ कुक का बिज़नेस है, चाइनीज़ काउंटर, चाइनीज़ सेंटर है। पहले इससे पहले मैंने सोचा था कि एक्टिंग में जाऊँ, लेकिन घर का प्रॉब्लम था, ऐसा लगा मुझे कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर बहुत से लोग हैं, अपने जाने से कुछ होगा नहीं। लेकिन आज का जो मुझे देख के लगता है, जिस तरीके से आज फिल्में आ रही, वेब सीरीज आ रही है, आजकल एक्टिंग की ज़रूरत है, फेस की या फिर लुक की या हाइट की ज़रूरत नहीं। ओके, अब्दुल जी का कहना है कि आज अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है, इसीलिए वो आए हैं। और हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि अब्दुल जी क्राइम पेट्रोल के इंस्पेक्टर की तरह दिख रहे हैं, तो देखो। ओके संजय, आप कहाँ से हो, आपका नाम, और आपने एक्टिंग क्लास क्यों ज्वाइन किया शॉर्ट में? सर, मेरा नाम संजय पाल है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं गुजरात में भी रहता था और वहीं काम भी करता था, और मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग करने का, इसलिए धीरे धीरे पैसे वैसे कमाए, उसके बाद में एक्टिंग क्लास आपको मैं यूट्यूब में देखता रहता था, तो मैं सोचा आपसे अच्छी तरह से सीख पाएंगे, और मैं फिर अगस्त में आ गया आपके पास। वेरी गुड। सो अभी ऐसा है कि एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, हम टेक्निक सिखाते हैं, ठीक है। एक्टर आपके अंदर ऑलरेडी छुपा हुआ है, क्योंकि भाई के सामने, बहन के सामने, पापा के सामने, दादाजी के सामने, बीवी के सामने, गर्लफ्रेंड के सामने, हर किसी के सामने आप अलग हो, तो वो अलग बर्ताव जो आया आपके अंदर, वो अलग बर्ताव किसी ने स्क्रिप्ट लिख कर नहीं दी थी, वो ऑटोमेटिक किया आपने। लेकिन टेक्निक जो सिखाऊंगा मैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि कैमरे के सामने एफर्टलेस एक्टिंग कैसे करें, नेचुरल कैसे करें, एक्टिंग के रूल्स क्या होते हैं, ग्रामर क्या है, 5W क्या है, 9 इमोशन क्या है, कैरेक्टर में जाने का तरीका क्या है, ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। और 60 डेज का अपना प्लान है, कितने दिन का? 60 डेज। तो आज से आपके आने वाले 60 दिनों में आपको पूरी तरीके से अपने आप को बदलना है। कल तक आप कुछ और काम कर रहे थे, शायद आज भी कर रहे होंगे, लेकिन इन 60 दिनों में आपको एक बेहतरीन एक्टर बनाना, आपको एक्टिंग की टेक्निक सिखाना, आपको तैयार करना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है, करेक्ट। सो मुझे ऐसे 100 स्टूडेंट नहीं चाहिए कि भर्ती कर दी 100 स्टूडेंट की और उनमें से किसी को भी अच्छे से नहीं टाइम दे पा रहे, सेलेक्टेड स्टूडेंट मैं चुन रहा हूँ और उन्हीं पर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैंने लाख कितना अच्छा सिखाया, कितना भी अच्छा टाइम दिया मेरा, लेकिन अगर आप
दिया हुआ होमवर्क नहीं करेंगे या अच्छे से मेहनत नहीं लेंगे, क्लास के बाहर असली मेहनत शुरू होती है। नाटक पढ़ने पड़ेंगे, अवार्ड विनिंग फिल्में देखनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्टिंग से रिलेटेड छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं जो मैं सिखाऊंगा उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सब अगर आप करने के लिए तैयार है तो ही आपके अंदर 60 दिनों में बदलाव लेकर आ सकते हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर से वो भी सेशन को देख रहे हैं, और ये मेरे सब्सक्राइबर को भी मैं बताएंगे, ये मेरी कमिटमेंट है लाइव सेशन में मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को 60 दिन में जबरदस्त तैयार करूंगा मैं। लेकिन आपसे मुझे ये कमिटमेंट चाहिए कि आप दिया हुआ होमवर्क करेंगे, आप जो जो इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा वो पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, उतनी बस एक ही मेरी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये है कि जैसे एक प्लेन में जो बंदा बैठा हुआ है, अगर प्लेन क्रैश हो रहा है तो नीचे जंप मारेगा, जंप मारते टाइम पैराशूट अगर लेकर जंप मार रहा है और पैराशूट ओपन ही नहीं किया उसने तो क्या होगा, नीचे गिर के मर जाएगा। सेम चीज़ एक्टिंग ट्रेनिंग की भी है। आपका आपने प्रीवियस जो काम किया होगा वहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी होगी, चार लोग आपको मानते होंगे, तो उस आइडेंटिटी को लेकर आप अगर यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। आपको आपका दिमाग खाली रखना पड़ेगा और जो जो चीज़ें सिखाई जा रही है वो लिटरली एक छोटा बच्चा जैसे सीखता है स्कूल में, उस तरीके से उसको लेना होगा। क्लियर। दूसरी बात, क्लास में कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ करते हो और बाकी स्टूडेंट आपने अच्छा नहीं किया इसलिए हंसेंगे, इस सोच से आप लोग सोचते हो कि सर मैं कल करूँगा, सर मैं परसों करूँगा, सर अभी नहीं करूँगा। इस चीज़ से एक्टर या स्टूडेंट बहुत पीछे रह जाता है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको ध्यान रखना है कि मेरी जो भी हंसी है, मेरे ऊपर जो भी हंसना है वो क्लासरूम में ही हंसने दो लोगों को, क्योंकि क्लासरूम में जो हंसेंगे कि मैंने गलत किया, मैंने खराब किया, वो अपने फैमिली होगी। लेकिन जब बाहर निकलोगे और बाहर जब शूटिंग के लोकेशन पर जाओगे और वहाँ पर अगर आप अपने खेल के मजबूत खिलाड़ी नहीं हो, ना आपके दोस्त है, ना भाई है, ना चाचा है, ना मामा है, वहाँ पर तो आपको पैसे मिल रहे हैं दिन के 3,000, दिन के 5,000, छोटे मोटे न्यू कमर्स को, बिगिनर्स को उतने मिल ही जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आपकी हंसी उड़ाई जाए तो अच्छा लगेगा क्या? तो इसीलिए इंसल्ट से डरना नहीं है। मैं तुम्हें डांस करने लगाऊंगा, मैं तुम्हें बंदर बनाऊंगा कि आप बंदर हो और जंगल में आप उछल कूद कर रहे हो, मैं बोलूंगा आप जोकर हो, मैं बोलूंगा आप पागल हो और इस हॉल में घूम रहे हो, मैं बोलूंगा आप डांस करो, अलग अलग एक्टिविटी करूंगा जिससे आपको फिजिकली फ्लेक्सिबल करना मेरा काम होगा। क्योंकि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोल के नहीं होती ना, अपने को क्या करना है कि आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तभी आप चलते हो, आप बैठते हो, आपकी जो हैंड मूवमेंट होती है, जेस्चर पोस्चर, उसका भी इस्तेमाल होता है, एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल होता है। तो हर चीज़ पर हम काम करेंगे। 2 महीने में तुम्हें मैं ऐसे टेक्निक्स दूंगा जिन टेक्निक्स को तुम्हें बाद में प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं कि अभी 2 महीने का कोर्स है, रोज 2 घंटे का क्लास है, मैंने 40,000 भर दिए और अब विनय सर ने एक इंजेक्शन दे दिया और मैं एक्टर बन गया और निकल गया। ऐसा मेडिकल में कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं, ना मेरे पास भी अवेलेबल है। और सालों साल सीखना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। लेकिन कोर्स होने के बाद क्या होता है, जब आपको काम मिलना शुरू होता है तब आप कमाते भी है और जो प्रोजेक्ट मिला वो प्रोजेक्ट करते करते आप सीखते भी है, फर्क उतना ही है, बाकी और कोई फर्क नहीं। क्लियर। आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, नहीं आता है मुझे पता नहीं, कि यहाँ से आगे आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट नई चीज़ें आने वाली है। अब इस प्रोसेस में 3 चीज़ें आपको दिमाग से पूरी तरीके से निकाल देनी है। बार बार क्लास में 2 महीने में ये बताते नहीं बैठूंगा, ठीक है, मेरे अलावा और भी फैकल्टी है, उनके भी सेशन होंगे आपके लिए। सो 3 चीज़ें अक्सर एक्टर को एक्टर बनने से रोकती है। पहली, डर
दूसरी शक और तीसरी अविश्वास। डर कि आ तो गया हूं मैं, लेकिन अगर नहीं बन पाया तो शक, कोई मुझे काम देगा क्या, मैं उस लायक हूं क्या, मैं हीरो की तरह दिखता हूं क्या। अविश्वास, खुद पर ही अविश्वास कि मैं कर पाऊंगा क्या। कोई भी विचार आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, अगर फियर, डिसबिलीव और डाउट, डर, शक और अविश्वास, ये तीन चीजें आपके दिमाग में चल रही है तो वो चीज कभी भी पूरी नहीं हो सकती। एक 18 साल का लड़का कॉलेज में जाना शुरू करता है और पिताजी को बोलता है कि मुझे बाइक लेकर दो, और बहुत पीछे लगता है, तो उसके मन में शक होता ही नहीं कि मेरे बाप, मेरे पिताजी मुझे बाइक लेकर ही नहीं देंगे, विश्वास होता है। भगवान के पास हम जाते हैं और मन्नत मांगते हैं, हमें विश्वास होता है ना, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास है, और इसीलिए वो मन्नतें पूरी भी होती है कई बार। असल में उस मन्नत को पूरा करने के लिए क्या काम कर रहा है, विश्वास, ट्रस्ट काम कर रहा है। यूनिवर्सल पावर जो है, शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना, क्या था डायलॉग, अगर किसी चीज को तुम पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने के लिए लग जाती है। यह सच है। ज्यादातर लोग एक्टिंग करने आते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, ट्रेनर, हर ट्रेनर अच्छा ही है, एक्टिंग स्कूल, एक्टिंग ट्रेनर जितने भी है सब लोग ईमानदारी से ही सिखाते हैं, लेकिन बच्चे बन क्यों नहीं पाते आगे, कुछ ही चंद स्टूडेंट ही क्यों काम कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट निगेटिव माइंड के साथ पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, तो वो पॉसिबल कैसे होगा, दिमाग में है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है और सोच ये रहे हैं कि मुझे काम मिल जाए। तो ये तीन चीज़ें तुमको निकाल देनी है। दूसरी बात, 5 साल का टारगेट डिसाइड करो। कोर्स 2 महीने का करने से, 1 महीने का करने से, 6 महीने का करने से कुछ नहीं होने वाला, आप तैयार हो जाओगे, ट्रेनिंग पता चलेगी, टेक्निक पता चलेगी, लेकिन जब आप असल में कोर्स होने के बाद सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलोगे तो उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है जीरो। कितना, लेट्स एक्ट का सर्टिफिकेट हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हो, FTII का हो, या न्यूयॉर्क की किसी फिल्म अकेडमी का हो, उसका वैल्यू कितना है, क्यों पता है, क्योंकि एक्टर की असली ताकत शुरू होती है जब वो खड़े हो गया सामने, किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से उसके वाइब्रेशन सामने वाले को फील हो रहे हैं, और फाइनली ऑडिशन कैसा दे रहा है। तो सर्टिफिकेट कहीं का भी बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। दूसरी बात, आपके लिए नहीं, मेरे सब्सक्राइबर के लिए बता दूं, मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है जिनके साथ सेलिब्रिटीज़ के इसके उसके नाम है, चैनल्स के भी नाम है, और कई बार स्टूडेंट 2-2, 5-5 लाख रुपए वहाँ भर देते हैं कि ये लोग उनको, लेकिन जितने भी स्टूडेंट से मैं मिला हूँ प्रीवियसली, उन लोगों ने बोला है कि ऐसा कुछ उनके साथ, मैं तुम्हें, मेरे तुम्हें या मेरे किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि मैं आपको काम दिलवाऊँगा, मैं आपको तैयार करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी, और काम मिलने के लिए क्या करना है उसके लिए गाइड करेंगे, ऑडिशन की अपडेट देने के लिए गाइड करेंगे। तो तुम एक सही माइंडसेट के साथ कोर्स शुरू करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अभी आज का पहला दिन है आपका, तो हम लोग शुरुआत करेंगे, किसी भी किताबी बातों को मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। एक्टिंग जो है, जैसे 9 इमोशन, उसके बाद 5W, मेथड एक्टिंग, कैरेक्टराइजेशन, किताबी बातें मैं इसलिए नहीं सिखाऊंगा, पॉइंट तो आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ इतने सिंपल करके आपको सिखाऊंगा कि जिससे आपके अंदर वो आ भी जाएगी, और एक समय के बाद आपको ये भी पता चलेगा, अच्छा ये था। आ रहा है समझ में? किताबें अगर नॉलेज मैं भी आपको देने लगा तो फिर गूगल पे तो सारा नॉलेज पड़ा हुआ है ना, फिर लेट्स एक्ट में आने की और सीखने की ज़रूरत क्या है। ट्रेनर का काम ही होता है कि चीज़ों को सिंपल वे से आपको सिखाए और आपके अंदर वो आए, और वही चीज़ हम करेंगे। ट्रेनिंग में मैं बोल रहा हूँ, आप चुप, ऐसा भी नहीं होगा, आपको जब भी जो सवाल आएगा, जो समझ में ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हो। दिन में 2 घंटे आपको मेरे साथ बिताने हैं, लेकिन पूरी तरीके से मोबाइल आपका ऑफ होगा,
ढीले ढाले कपड़े पहन के आने, जैसे संजय ने आज ट्रैक पैंट और वो टी शर्ट पहना है, उछल कूद करनी है, बहुत सारी एक्टिविटी करनी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। पानी की एक बोतल आपके साथ होगी, नोटबुक, उसमें एक नोट पेन, नोटबुक, बैग, वो सब चीज़ें आपके साथ चाहिए, ताकि 2 घंटे आप पूरी तरीके से यहाँ रहे। और उसके बाद जब आप अपना काम करोगे तो उसमें जो दिया हुआ होमवर्क है वो आपको अच्छे से करना है। 6 महीने के कोर्स में भी 2 घंटे की क्लास होती है, 2 मंथ के इसमें भी 2 घंटे होती है, सिर्फ 1 महीने का जो क्लास है ऑडिशन की तैयारी का वो 1 घंटा होता है रोज़। तो आप 2 घंटे में हो, आपके साथ एक प्रॉपर 2 मंथ का ट्रेनिंग हो जाएगा। सो अभी चेयर साइड में करो और सामने आ जाओ। अब दोस्तों जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, देखिए मैं इनसे कुछ करने की कोशिश करवाता हूँ कि किस तरीके से ये दोनों करते हैं, हम देखते हैं। और आने वाले समय में इन दोनों के भी और इनके साथ जो जुड़ेंगे स्टूडेंट, उनके साथ भी कई सारे एक्ट में करवाऊँगा वो आपको समय समय पर दिखाऊँगा मैं। देखो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब आप सबके अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है। मैं एक्टिंग नहीं सिखाता, मैं सिर्फ टेक्निक सिखाता हूँ, और आपके अंदर का एक्टर आप खुद ही बाहर निकालते हो। मैं अभी क्या करूँगा, सिचुएशन दूंगा, जैसे एक चोर पुलिस, या एक घर मालिक और एक किरायादार, या एक सब्जी बेचने वाला और एक सब्जी खरीदने आया, या एक शॉप है जिस शॉप में एक बंदा शक्कर लेने के लिए आया है, और आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आप बिल्कुल रियल रहो। अभी मुझे कैरेक्टर में आपको देखना ही नहीं है। रिलैक्स, जैसे संजय आप बात करते हो वैसे बात करो, अब्दुल जैसे आप बात करते हो बात करो, और एकदम खुल के कंफर्टेबली आपको उस चीज़ को करना है। और मैं सिचुएशन बदलूंगा, आपको क्विक रहना है। जैसे मैंने बोला अभी घर मालिक और किरायेदार, तो फटाफट आपने कर लिया, फिर चलते चलते मैं कुछ और 2 कैरेक्टर बोलूँगा, वो फटाफट आपको करने हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग ओपन होगा। पहले मैं आपकी ये बोतल जो है वो खाली करूँगा, क्योंकि जब आप एक्टिंग सीखने आए हो तो आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है, और आपको भी बहुत सारी चीज़ों की समझ है। इसमें मुझे ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली गाड़ी में फॉल्ट कहाँ है। पूरी गाड़ी में फॉल्ट नहीं है, कुछ जगहों पर फॉल्ट है, उस पर फिर हम लोग और अच्छे से 2 महीने काम करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दोनों फेस टू फेस खड़े रहो, कैमरा यहाँ पर है, अपने सब्सक्राइबर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल सब्सक्राइबर्स। मैं उनसे बात कर रहा था तो आपके मैसेज नहीं पढ़ पाया, लेकिन अभी मैं पढ़ूंगा। ये दोनों जो कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग भी अपने सजेशन दीजिए किस तरीके से कर रहे हैं। सब लोग आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। लव फ्रॉम बांग्लादेश, कुछ बंदे सवाल भी पूछ रहे हैं। हमारी श्रावणी इकबाल जो 1 मंथ के स्टूडेंट है वो भी देख रहे हैं। 1 मंथ वाले स्टूडेंट फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, अगेन जितने मैंने कंटिन्यू करना चाहे उतने, इस तरीके से हो सकता है 10,000 पे करके। सर और सब स्टूडेंट कहाँ गए? दोस्तों ये अलग बैच है, जो बाकी स्टूडेंट है ना उनकी 1 मंथ की बैच है, और ये 2 मंथ के एडवांस कोर्स में है स्टूडेंट। सो मेरी हाइट 5'1" है, क्या हम एक दमदार एक्टर बिल्कुल बन सकते हैं? राजपाल यादव का बेस्ट एग्जाम्पल है, मुझे एक्टिंग करना है। जो लोग नहीं आ सकते हैं, डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, और जो आ सकते हैं वो लोग तो बिल्कुल आइए। ओके, रेडी? सो आप है घर मालिक और आप है किरायेदार। 4 महीने से किराया दिया नहीं है, लॉकडाउन की वजह से वाट लगी पड़ी है। स्टार्ट। और भाई कहो? सर घर पे ही बैठा था। फोन वोन लगता नहीं था, बंद कर क्यों? फोन लगता नहीं, फोन खराब हो गया था, मेरे भाई ने पानी में गिरा दिया था छोटा सा, इसलिए वो फोन खराब हो गया। अभी लॉकडाउन में रिपेयरिंग नहीं हो पाई, इसलिए फोन नहीं लगा। तो कुछ किराया वाला देना है बस ऐसे ही? किराए अभी तो नहीं दे पाऊंगा, लॉकडाउन के बाद ही, अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर कैसे चलेगा काम? नहीं रहेगा सर, पैसे कहाँ से लाएंगे? तो हमारा काम कैसे चलेगा? जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं, पैसे तो मिल नहीं रहे, कैसे आपको देंगे? अरे तो हमारा काम भी इससे घर से चलता है ना, वही किराए से तो हमारा घर चलता है सर। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, इस सिचुएशन में कैसे मैं आपको पैसे दूंगा? हमने ऐसी प्रॉपर्टी बना के पैसे डाल के रखे हैं कि आप तो आज फिर रह जाओ। ओके, दुकानदार और एक दुकान में कोई बंदा कुछ खरीदने आया है, शक्कर खरीदने आया है। भाई शक्कर दे दो 1 किलो। शक्कर 500। थोड़ा सुनो, आवाज लाउड, आवाज थोड़ा सा बढ़ाते, वेरी गुड। शुरुआत है, आज मैं रोकूंगा नहीं आप लोगों को। संजय नजदीक आओ, और इधर कैमरे के नजदीक आओ थोड़ा उधर। हाँ, दोनों फेस टू फेस ही खड़े रहो, करेक्ट, प्रोफाइल में। स्टार्ट। शक्कर दीजिए भैया 1 किलो। शक्कर तो है लेकिन 500 रुपए किलो है।
500 रुपये किलो। हाँ 500 रुपये। शक्कर 500 रुपये किलो है। ये शक्कर विदेश से मंगवाते हैं क्या? विदेश से आ रही है, अमेरिका से आ रही है। अरे मैं पुलिस वाले से बता दूंगा तो आपकी खैर। बता रहा हूँ, तुम न्यूज़ देखते नहीं हो क्या? 500 रुपये किलो शक्कर मिलता है भाई साहब? दिमाग खराब हो गया आपका? दिमाग खराब है कहाँ हुआ? मैं आपके सामने आपके दुकान पे, लेकिन आपकी दुकान अभी जगह पे नहीं रही, उसको बंद करवा दूंगा। आप पहले जाइए, 500 रुपए शक्कर कहीं मिलता है क्या? आप पहले देख लीजिए, न्यूज कुछ पढ़ते नहीं क्या? मैं रोज न्यूज में ही देखता हूँ, कहीं न्यूज में नहीं यार। आप तो आज दुकान में वहाँ पे नहीं मिलता था, पर क्या है आजकल न्यूज है, 750 रुपए किलो। ओके अभी क्या करेंगे, जब एक बंदा बोल रहा है ना तब उसकी बात पूरी सुनेंगे और उसके बाद बोलेंगे। गुड, वन मोर टाइम, दोनों थोड़ा नजदीक आओ। अब्दुल तुम्हारा चाइनीज का गाड़ी है और तुमने कुछ मंचूरियन मंगाया, वेज मंचूरियन, और उस मंचूरियन में मंचूरियन की टेस्ट बहुत खराब है। स्टार्ट। चाइनीज वाले भाई, आपने पैसे लिए और ये चाइनीज जो आपने बनाई है ये एकदम बकवास चाइनीज बनाई है आपने, फ्री में ऐसा लगता है दिया है आपने? आप ये चाइनीज सब्जी वापस लीजिए और मेरा पैसा मुझे दीजिए। चाइनीज कभी खाए क्या आपने? हाँ खाया हो, कितनी बार खाया हो, लेकिन ऐसा नहीं खाया हो भाई, पहली बार खा रहा हूँ। कचरे के वापस लग रहा है, अब इसको रख देखो अभी कितना अच्छा पंच आया कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप वड़ा पाव खाते हो। करेक्ट, ये कितना हल्के में बोल रहे हो आप। कोई स्ट्रेस है क्या आपके चेहरे पर? पहला दिन है और 15 मिनट हो गए। व्हाई? बिकॉज कोई स्ट्रेस नहीं है। एक्टिंग जो है, एक्टिंग टेंशन लेके नहीं की जाती। एक्टिंग दिमाग को शांत रख के उस कैरेक्टर को समझ के की जाती है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। अभी आप बीजेपी के हो और आप कांग्रेस के हो। एक बीजेपी के बन जाओ, एक कांग्रेस के बन जाओ, दोनों में बातें हो रही है। स्टार्ट। आवाज आवाज लाउड। अच्छा अच्छा है सब कुछ। देखो नाटक, एक एक बात याद रखो, नाटक के लिए जो एक्टिंग की जाती है उसमें हमें आवाज थोड़ी सी लाउड रखनी है, और जब कैमरा एक्टिंग की जाती है तब हमें नेचुरल बोलना है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आप नए हो। अब अगर आपके पास, आपकी गाड़ी में सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल है और आपको बहुत दूर जाना है तो पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे ना। छोटा सा अगर पहाड़ चढ़ना है तो उसके लिए अगर हिमालय की हम प्रैक्टिस करें तो छोटा पहाड़ कैसे लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा ना छोटा पहाड़। तो तुम्हारी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है तो तुम दूर नहीं जा सकते, टैंक फुल करनी पड़ेगी। तो वैसे नाटक आपको मजबूत बनाता है। कुछ मंटो के जो कहानियां हैं उस पर भी हम काम करेंगे इस कोर्स में। तो अभी जब एक्ट कर रहे हो आप तो जानबूझ के थोड़ा सा चिल्ला कर बोलो। चिल्ला कर मतलब आवाज़ बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, एकदम चिल्लाना चीखना नहीं है। कैमरे के लिए कैसे एक्टिंग करनी है बाद में मैं कवर करूंगा। चलो स्टार्ट। और भाई क्या हाल है, क्या ठीक चल रहा है कि नहीं? और आप लोग का प्रचार कैसे चल रहा है? मेरा प्रचार क्या कर रहा है, वो ऑलरेडी मेरा प्रचार है। अब आपकी प्रचार, आप अपना प्रचार कीजिए तो आपकी मैयत हो रही है। कार्यकर्ता को इतना हालत खराब कर रखे, कुछ मतलब नहीं है, झंडे लेके घूम रहे हैं। आपके पार्टी में कार्यकर्ता ही नहीं, जो मुख्य लोग हैं ना वही पूरा साफ करके बैठे हैं। डोर ओपन करो एक बार, वाईफाई शायद थोड़ा वीक है। डोर ओपन करो, चेयर लगा दो पीछे। एक्शन रिएक्शन, सबसे पहले सुनना। जब आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो ना, एक दूसरे को सुनो और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखो और सीधे खड़े रहना है, टेढ़ा मेढ़ा खड़ा नहीं रहना है। इधर इधर पीछे कैमरा कहाँ है? और पीछे जाओ संजय। हाँ गुड, स्टार्ट। बीजेपी एंड कांग्रेस। हाँ बीजेपी स्टार्ट। और भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? ठीक है। हाँ सुना तुम्हारा पार्टी का तो प्रचार हो रहा है। मेरे पार्टी का तो प्रचार होगा ही, लेकिन आप अपनी पार्टी का प्रचार कर लीजिए। अच्छा, और पप्पू तुम्हारे कैसे? तो यार बोलो मत यार, हमारे गाँव है यार। वो तो है लेकिन सब लोग बोलते तो मैं भी बोलता हूँ उसमें। वो तो कार्यकर्ता है, हमारे तो यही हालत है, बीच में झूलते रहते हैं। हमने जो सुना है वो आपसे बता रहे हैं कि आपके पार्टी में जो अध्यक्ष जी हैं वो उनको पप्पू कहा जाता है। वो कहते हैं यार, लेकिन क्या है ना, सबके अपनी अपनी बात होती है। कहने में कि पप्पू है लेकिन माइंडेड अलग आदमी। ओके संजय, अभी जैसे तुम बात कर रहे हो ना तो अब्दुल तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहे हैं। एक्टिंग करते करते एक्टर अचानक जो ट्रेनर है उसके पास या कैमरे में देखता है,
उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि वो कैरेक्टर में नहीं है। तो जब एक्टिंग कर रहे हो तो को एक्टर के साथ उसी के साथ तालमेल बनाओ। मैं आपको देख रहा हूँ या कैमरे में आप रिकॉर्ड हो रहे हो तो ज़रूरत नहीं बार बार देखने की, मूड में रहो, उसी को कैरी फॉरवर्ड करो, कंटिन्यू करो। बोलो बोलो। हाँ नहीं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि तुम याद कर रहे हो कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं और मैं याद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए। रेडी, वन मोर टाइम। और भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? पार्टी बहुत प्रचार कर रही है, काम भी अच्छे कर रही है। अच्छा, इसीलिए अपने आप ही प्रचार होता रहता है। काम अच्छे करेंगे तो प्रचार अपने आप हो जाएगा, अगर आप उस तरह के काम नहीं करेंगे तो आपका प्रचार हुआ भी बिगड़ जाएगा। ओके गुड, दोनों पीछे जाओ, जाओ पीछे, जाओ पीछे, जाओ पीछे, जाओ पीछे, जाओ सीधा खड़े रहो। संजय कैमरे की तरफ, मेरे कैमरे मेरी तरफ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। हाँ बस, हाथ छोड़ो संजय, कैमरे सीधा खड़े रहो ना, कैमरे की तरफ स्ट्रेट। हाँ बस, पैर थोड़े नज़दीक लो, थोड़े पैर ऐसे है ना तो ऐसे लो। हाँ करेक्ट, बस खड़े रहना है। बॉडी इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो नए एक्टर को, कब आपके साथ भी मैं एक्सरसाइज करूँगा, इन लोगों को अभी 5 मिनट ऐसे ही खड़े रहना है, कुछ नहीं करना है, न्यूट्रल खड़े रहो। क्योंकि सबसे पहले हमें, हम डे टू डे लाइफ में जब किसी से बात करते हैं तो कोई हमें शूट नहीं कर रहा है ना, कोई शूटिंग नहीं चल रही है, तो हम ऐसे ही खड़े टेढ़े मेढ़े कैसे भी खड़े होकर बात करते हैं, चाय पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, देखते देखते बातें कर रहे हैं। ऐसा ज़्यादातर नहीं होता कि न्यूट्रल खड़े हैं, आँखों में आँखें डाल के बात की जा रही है। लेकिन आप वेब सीरीज़, फिल्म सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो एक्टर फेस टू फेस खड़े हैं, उनमें बात हो रही है, फिर कैमरा एंगल बदल रहा है, अलग अलग एंगल में सेम चीज़ शूट की जा रही है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर के साथ बैलेंस बनाओ। ऐसा लगना चाहिए कि कोई शर्ट हैंगर से लटका हुआ होता है ना, कपड़ा धोने के बाद एक हैंगर से लटका हुआ शर्ट है या कोट है, कितना लाइट वेट होता है वो, उतना लाइट वेट अपनी बॉडी को बनाओ। नहीं तो एक्टिंग करते टाइम तुम्हारा आधा ध्यान रहेगा तुम्हारे बॉडी की तरफ, आधा ध्यान रहेगा हाथ की तरफ कि मेरे हाथ सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, खड़े रहने की गलत पद्धति जो है उसकी वजह से तकलीफ होगी। सो जस्ट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, हिलना नहीं है, कुछ नहीं करना, एकदम लाइट वेट, ऐसा लगना चाहिए कि मेरा वेट ही नहीं है कुछ। दोस्तों बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसके ज़रिए एक्टर को ओपन अप किया जाता है। हर एक्टर का प्रॉब्लम सेम नहीं होता, हर एक्टर का प्रॉब्लम अलग अलग होता है। जैसे हर पेशेंट को दवाई सेम नहीं दी जाती, वैसे ही एक्टिंग ट्रेनिंग का भी है कि हर एक्टर का प्रॉब्लम सेम नहीं होता और वही चीज़ पर एक्टिंग ट्रेनिंग में काम किया जाता है। सर आप 5W टाइप ऑफ WH, ये सब आप लोग भी घर पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑडिशन में भी आप लोगों को ऐसे ही नॉर्मल खड़ा रहना है, जब आप शूट कर रहे हैं तब भी आपको को एक्टर के साथ आराम से खड़े रहना है। सुमैया ये न्यू है, 2 महीने की बैच जो है अपनी, उसके स्टूडेंट्स हैं। सर आप 5W टाइप ऑफ WH वाला वीडियो बनाओ ना प्लीज़ सर। ओके बनाएंगे जल्दी। 5W कुछ नहीं है यार, क्या क्यों कब कहाँ कैसे, जो ऑडिशन की स्क्रिप्ट आपके पास आएगी उस ऑडिशन की स्क्रिप्ट में सवाल पूछने हैं आपको। समरजीत, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, आप यूट्यूब का जो स्टोरीज़ है उसमें देखिए, सारे के सारे वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाता, कुछ स्टोरीज़ में भी होते हैं। इकबाल हमारा जो 1 मंथ का स्टूडेंट है, उसने फिर से 1 महीना कंटिन्यू किया है, सेम 1 आवर का कोर्स होगा लेकिन
वो जब तक सीखना चाहे एवरी मंथ 10,000 पे करके कंटिन्यू करेगा। सड़क टू देखी क्या? देखी मैंने सड़क टू, कुछ खास नहीं है, मुझे उतना मज़ा नहीं आया। मेरा फ़ोन तो नहीं दे सकता लेकिन स्वरूपा मैम का नंबर है 8169080394, उस नंबर पर आप बात कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इनकी जो बैच है उसका टाइम अभी ख़त्म हो गया है क्योंकि अब्दुल जो है उनका चाइनीज़ का बिज़नेस है और उनको जाना होता है। तो आज का लाइव सेशन मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। ऑनलाइन मेरा आने का ऐसा कोई टाइम नहीं है शुभम, फिक्स टाइम नहीं है। NSD के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए अर्पिता, और उसके साथ साथ आपको तकरीबन 5 से 7 नाटकों में काम किया हुआ होना चाहिए, विदाउट उसके एडमिशन नहीं मिलता। आप हम लोगों से बात नहीं करेंगे सर? नहीं करेंगे, अभी बात नहीं कर पाएंगे। अभी मैं लाइव बंद कर दूंगा। आज फर्स्ट डे बट अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप। ममता आर्या थैंक यू सो मच। उन दोनों को आने वाले 2 महीने में आप देखेंगे कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे वो। NSD वीडियो डाउनलोड, ओके NSD का मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत कम सीट होती है और इंडिया में बहुत सारे लोगों को सीखना होता है। सर कब होगा लाइव? आई डोंट नो, बट आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के क्लास का वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, टाटा बाय बाय। कभी मैं आगे क्लास कंटिन्यू करता हूँ, इनको छुट्टी भी देनी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। चलिए आप लोग भी बाय बाय कर दीजिए उनको।